हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में। जैसा ही बच्चों लास्ट वीडियो में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन और बच्चों से स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों बात की थी, बच्चों उसके बाद हमारा नंबर आता है बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ बच्चों एक ही पॉइंट आपको बच्चों इसको याद रखने का होता है। उसके बाद बच्चों इसी वीडियो के अंदर बच्चों हम मूव ऑन करेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इसकी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ ज़्यादा हैं जिनको बच्चों मैं अलग अलग वीडियो के पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बच्चों बात करूँगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, अब बच्चों हमारा ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बच्चों, तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी अगर बच्चों मैं बात करता हूँ तो बच्चों ये होते हैं नॉन वोलेटाइल। बच्चों नॉन वोलेटाइल का मतलब है अगर बच्चों इसको मैं इथर मान के चलता हूँ, नहीं बच्चों हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों अगर मैं मान के चलता हूँ तो बच्चों इसके वेपर नहीं बनेंगे। नॉन वोलेटाइल बच्चों हमारे वो कंपाउंड होते हैं जिनके वेपर हम नहीं बना सकते। तो बच्चों पहला पॉइंट नॉन वोलेटाइल, कोई ऐसा बच्चों पॉइंट है नहीं कि आप इसको दिमाग में ना रख पाओ। जितने भी बच्चों हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे उनके वेपर नहीं बनेंगे, उनको बच्चों आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, उनका बच्चों कोई फर्क उनके वेट के अंदर बच्चों नहीं पड़ेगा। अगर बच्चों मैं सेकेंड वन की बच्चों बात करूंगा तो बच्चों ये हमारे सॉलिड तो होते हैं लेकिन बच्चों कैसे होते हैं, कलरलेस सॉलिड। यानी बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता। जैसे बच्चों हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, कोई बच्चों पिंक कलर होता है, कोई क्रिम्सन रेड होता है, कोई पर्पल रेड होता है। बच्चों यहाँ पर जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों हमारे कैसे हैं, कलरलेस सॉलिड। अब बच्चों थर्ड पॉइंट की अगर बच्चों मैं बात करूँगा, ये बच्चों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सॉरी स्टूडेंट, तो बच्चों ये आइसोलेट किए जाते हैं बच्चों फ्री स्टेट के अंदर, क्योंकि बच्चों कैसे होते हैं हमारे एक्सप्लोजिव यानी बच्चों विस्फोटक होते हैं। इनके अंदर बच्चों विस्फोट हो सकता है अगर बच्चों किसी दूसरी थिंग के या बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर की अगर बच्चों मैं बात करूं या बच्चों किसी और केमिकल की प्रेजेंस में बच्चों आ जाते हैं उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो बच्चों ये हमारे एक्सप्लोज कर सकते हैं। तो बच्चों इनको कैसे आइसोलेट किया जाता है बच्चों, फ्री स्टेट के अंदर बच्चों प्योरली फॉर्म के अंदर इनको रखा जाता है इन द एबसेंस ऑफ अदर गैसेज एंड अदर केमिकल। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों एक्सप्लोजिव होता है तो बच्चों को कैसे आइसोलेट करोगे, फ्री स्टेट के अंदर। और बच्चों जब भी ये यूज करना होगा, यूज होगा बच्चों सोल्यूशन फॉर्म के अंदर, कभी भी बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सॉलिड फॉर्म के अंदर बच्चों यहाँ पर यूज नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी सॉलिड फॉर्म के अंदर बच्चों यूज नहीं होगा, ये बच्चों हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर यूज होगा। तो बच्चों चार फिजिकल प्रॉपर्टी हैं बच्चों, मैं चारों दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये हमारे नॉन वोलेटाइल हैं, इनके वेपर नहीं बनेंगे। किसके बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के, यानी बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वेपर नहीं बनेंगे। सेकेंड वन बच्चों कलरलेस सॉलिड है, कोई इनका पर्टिकुलर कलर नहीं है। थर्ड वन बच्चों क्या था, थर्ड वन हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्लोजिव होते हैं नेचर के अंदर। तो बच्चों एक्सप्लोज ना हो इनको आइसोलेट किया जाता है फ्री स्टेट के अंदर, इनको बच्चों अलग से रखा जाता है। बच्चों लास्ट वन हमारा, कभी भी हम इनको सॉलिड स्टेट के अंदर बच्चों यूज नहीं करेंगे, ये बच्चों हमेशा यूज कैसे होंगे हमारे फ्री स्टेट के अंदर। ये बच्चों हमारे हमेशा सॉल्यूशन के अंदर बच्चों यूज होंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर बच्चों ये यूज नहीं होंगे। तो बच्चों हमारे चार पॉइंट थे, आई होप बच्चों आपको चारों बच्चों ये समझ में आए होंगे। तब तक बच्चों हम इसका स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज इसी लेक्चर के अंदर। तब तक बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों जैसा मैं आपको पहले ही बताता आया हूँ बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों मैं यहीं पर आपको दो रिएक्शन कराने बच्चों जा रहा हूँ। बच्चों सारी की सारी रिएक्शन जितनी बच्चों में आगे इसकी केमिकल रिएक्शन बच्चों पढ़ेंगे सारी की सारी बच्चों इसी रिएक्शन के ऊपर बेस है। ये बच्चों हमारी वीडियो कुछ 10-15 मिनट की बच्चों बनेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज है इसी के अंदर बच्चों करेंगे। उसके बाद बच्चों मैं अलग अलग वीडियो में बच्चों सेपरेट करके आपको अलग अलग बच्चों केमिकल रिएक्शन इसकी करवा दूंगा। अब बच्चों मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है इसके बॉन्ड को समझना, आर एम जी एक्स। बच्चों सबको पता है, हमने अपनी पहले वाली वीडियो में बच्चों डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर में भी किया बच्चों, सेकंड में भी किया कि बच्चों आर एल्काइल ग्रुप बच्चों कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और बच्चों एम जी करेगा पॉजिटिव चार्ज और बच्चों हैलाइड करेगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद बच्चों साइंटिस्टों ने जैसे जैसे बच्चों एडवांस स्टडी होती गई तो बच्चों इसकी स्टडी की गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चों क्या कुछ होगा। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड अगर बच्चों मैं करैक्टर की बात करूँगा तो बच्चों आयनिक बॉन्ड करैक्टर
आयनिक बॉन्ड करैक्टर। अब बच्चों परसेंटेज बोल लीजिए, तो बच्चों इसके अंदर 35% आयनिक बॉन्ड का बच्चों करैक्टर होता है। अब बच्चों आयनिक बॉन्ड बच्चों आरएमजी के अंदर भी कुछ आरएमजी है, यानी बच्चों आयनिक बॉन्ड है, और बच्चों एमजीएक्स के अंदर भी बच्चों क्या है, कुछ आयनिक बॉन्ड का करैक्टर है। अब बच्चों ये मेनली दो टाइप की बच्चों रिएक्शन शो करता है, उन दो ही रिएक्शन को बच्चों हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रिएक्शन के साथ, जो है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई ना कोई बच्चों न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बच्चों आरएमजीएक्स ग्रुप के अंदर बच्चों किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो बच्चों मैं आरएमजीएक्स लिख लेता हूँ बच्चों, इस रिएक्शन को बच्चों यहीं पे हम कवर कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन है बच्चों आरएमजीएक्स। अब बच्चों सबको पता है नेगेटिव चार्ज और बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आएगी बच्चों जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बच्चों हमें याद रखने की है। अगर बच्चों मैं यहाँ पर ए और बी बच्चों कोई रिएक्टेंट लेके चलता हूँ, और बच्चों मैं मानता हूँ कि बी यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बच्चों बी के बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, बॉन्ड के बच्चों इलेक्ट्रॉन ए और बी के बच्चों बी लेगा, तो बच्चों बी पे चार्ज आएगा नेगेटिव और बच्चों ए पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पर आर नेगेटिव है और बच्चों यहाँ पर ए पॉजिटिव है, तो बच्चों बॉन्ड बनेगा आर और ए के बीच में, आर और ए, बच्चे बचेगा क्या एम जी एक्स। अब बच्चों एम जी से कौन गया नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बच्चों एम जी एक्स और बी। अब बच्चों यहाँ पर आर नेगेटिव आया बच्चों, जो किसके साथ गया ए के साथ, तो बच्चों आर नेगेटिव कार्बन के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज है, ये बच्चों कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि बच्चों जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, ये रिएक्शन बच्चों किसके लिए है, हमारी कार्बो एनायन की बच्चों रिएक्शन है। यानी बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर बच्चों मैं इंटरमीडिएट की बात करूँगा, तो बच्चों हमारा इंटरमीडिएट बच्चों यहाँ पे क्या यूज होगा, आर नेगेटिव यानी बच्चों कार्बो एनायन। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन, आई होप बच्चों समझ में आई होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब तक बच्चों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, जैसा ही बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पर बच्चों हमें पता लगा कि आर नेगेटिव कार्बोनायन की तरह यूज होगा, उसी तरह बच्चों जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों एक रिएक्शन और शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों पहले क्या होगा एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसके बाद बच्चों क्या होगा हाइड्रोलिसिस यानी बच्चों वाटर का यूज होगा। देखिए बच्चों जैसे कोई भी अगर बच्चों मैं कार्बोनाइल कंपाउंड की बच्चों बात करता हूँ, तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो डबल बॉन्ड में बच्चों जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों किसकी तरफ शिफ्ट होंगे बच्चों ऑक्सीजन की तरफ। बच्चों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते ही बच्चों ऑक्सीजन पे बच्चों कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, और बच्चों कार्बन कैसा चार्ज कैरी करेगा पॉजिटिव। अब बच्चों बात करता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, आर एम जी एक्स, तो बच्चों आर कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और बच्चों एम जी कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों जब यहाँ पर ऑक्सीजन बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बच्चों ऑक्सीजन कैसा चार्ज कैरी करेगा नेगेटिव, और बच्चों कार्बन कैसा करेगा पॉजिटिव। तो बच्चों सिर्फ एडिशन करना है, तो बच्चों एम जी हमारा मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, बच्चों एम जी एक्स एज एन वूल पार्ट शिफ्ट होगा बच्चों कहाँ पर ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्ट, यानी बच्चों ऑक्सीजन के पास। बच्चों आर नेगेटिव बच्चों हमारा मूव करेगा कार्बन के पास, यानी बच्चों यहाँ पर कार्बन का नंबर बढ़ने वाला है, ये बच्चों नोट कर लेना, यहाँ पर कार्बन का नंबर बढ़ने वाला है। देखो बच्चों आर बच्चों कहाँ पर जाएगा कार्बन के पास, तो ये लो बच्चों आर और ये लो बच्चों कार्बन। अब बच्चों कार्बन पर कौन है ऑक्सीजन है बच्चों, तो ये लो बच्चों सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया बच्चों नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव पर बच्चों कौन आएगा एम जी एक्स, ये लो बच्चों अभी तक बच्चों क्या किया एडिशन किया सी और ओ था बच्चों, ये रहा सी और ओ बच्चों, और क्या था आर एम जी एक्स आर एम जी एक्स, तो बच्चों ये होता है एडिशन, दो रिएक्टेंट बच्चों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। उसके बाद है बच्चों हाइड्रोलिसिस, अगर बच्चों मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूँगा, तो बच्चों यहाँ पर होगा एच पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या बच्चों
बहुत बार इसको H3O पॉजिटिव भी लिख देते हैं बच्चों, एक ही थिंग है, कन्फ्यूज मत होना। या बच्चों एच पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बच्चों एच पॉजिटिव है बच्चों, साथ में क्या है हमारे पास वाटर में बच्चों, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। देखिए बच्चों एम जी एक्स है बच्चों, आर बच्चों ऐसे कैसे। अब बच्चों एक बार कार्बन को देख लेते हैं यहाँ पर दोबारा। कार्बन बच्चों दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ थे और बच्चों दो बॉन्ड इसके अलग थे, तो बच्चों एक बॉन्ड तो किसने ले लिया, आर ने। तो बच्चों यहाँ पर अभी भी इसका एक बॉन्ड खाली है, लेकिन बच्चों ये बॉन्ड टूटा था, इलेक्ट्रॉन बच्चों शिफ्ट हुए थे ऑक्सीजन की तरफ, तो बच्चों कार्बन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और बच्चों तीन बॉन्ड। बच्चों चौथा बॉन्ड किसने एक्वायर कर लिया था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज वाला आर ने। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन के हमारे दो बॉन्ड खाली है, दोबारा देख लो बच्चों, ये बॉन्ड बच्चों गया ऑक्सीजन के पास, इसके इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों यहाँ से बॉन्ड खत्म हुआ एक, और बच्चों दो बॉन्ड इसके थे ऐसे कैसे, ये रहे बच्चों दोनों के दोनों बॉन्ड। एक पर तो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन ऐड है, ये रहा बच्चों वो बॉन्ड, और एक बॉन्ड पर बच्चों कौन ऐड होगा, नेगेटिव चार्ज वाला आर ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन के चार बॉन्ड ऐसे पूरे होंगे, तो बच्चों आर और बच्चों दो बॉन्ड इसके ऐसे कैसे हैं, ऑक्सीजन बच्चों ये रहा, बच्चों साथ में कौन आएगा, और नेगेटिव पे बच्चों कौन आना चाहेगा, एच पॉजिटिव आना चाहेगा। जैसे ही बच्चों एच पॉजिटिव आएगा तो बच्चों किसी न किसी एल्कोहल या बच्चों जहाँ पर भी ओ एच फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों उसकी तरफ बच्चों जाने की कोशिश करेगा। अब बच्चों बचता है एम जी एक्स, ये लो बच्चों एम जी, ये लो बच्चों एक्स, और बच्चों बचेगा कौन, ओ एच, क्योंकि बच्चों एच और ओ एच बच्चों कहाँ से आए हैं, वाटर से। तो ये था बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो बच्चों फॉलोड होगा हाइड्रोलिसिस के द्वारा। सबसे पहले बच्चों आर एम जी एक्स होगा और बच्चों सी डबल बॉन्ड कोई कार्बोनाइल ग्रुप होगा, उन दोनों को बच्चों ऐड कर दीजिए। याद रखने की बात है बच्चों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और बच्चों कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। बच्चों आर एम जी एक्स बच्चों हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, उसके बाद होगा बच्चों एच पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी और बच्चों क्या बनाएगा, आर सी ओ एच बनाएगा, और बच्चों एम जी एक्स ओ एच है जिन बच्चों बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बच्चों बाहर निकलेगा, ये बच्चों हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों दो रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आई होप बच्चों दोनों रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। ये बच्चों हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, कि बच्चों जब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँ, आई होप बच्चों आप ये दो रिएक्शन बच्चों अच्छे से समझ पाए होंगे, ताकि बच्चों हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों उसकी जो रिएक्शन होगी केमिकल बच्चों सारी की सारी इन रिएक्शन के ऊपर बेस होगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस।